पटना विश्वविद्यालय में पहली मेधा सूची जारी हो गया है और एडमिशन की जो तारीख है वो 3 अगस्त से शुरू हो गई है। जी हाँ, पटना विश्वविद्यालय में स्नातक बीए, बीएससी और बीकॉम में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है। 3 अगस्त से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन के लिए 1,36,242 छात्रों ने आवेदन किया था। इसमें करीब 1,24,897 छात्रों ने नामांकन लेने के लिए फीस जमा की है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार पहली मेधा सूची 3 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। पहली मेधा सूची के अनुसार 16 अगस्त तक नामांकन होगा। वहीं कॉलेजों को 18 अगस्त तक नामांकन का वैलिडेशन समाप्त कर देना है। विश्वविद्यालय 20 अगस्त को दूसरी मेधा सूची जारी करने की बात कह रही है। दूसरी मेधा सूची की नामांकन 29 अगस्त तक पूरा कर लेना होगा। 31 अगस्त को कॉलेजों का वैलिडेशन समाप्त कर रिपोर्ट देनी है। तीसरी मेधा सूची 2 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। इसका नामांकन 12 सितंबर तक होगा। इसके बाद भी अगर सीटें बची रह जाती हैं तो 16 सितंबर को स्पॉट राउंड में नामांकन की ओपन कर दिया जाएगा। कॉलेजों के बची सीटों के अनुसार नामांकन लेना होगा। तीनों के अंदर नामांकन पूरा कर लेना है। इसके लिए कॉलेजों को मेधा सूची जारी करनी होगी। इसमें आरक्षण नियमों का पालन करना है। कॉलेजों को 15 सितंबर से क्लास शुरू करा देना है। विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर एके नाग ने बताया कि नामांकन की तैयारी हो गई है। 3 अगस्त से नामांकन होगा। नामांकन ऑनलाइन तरीके से होगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्सों में नामांकन की प्रक्रिया भी एक साथ होगी। इसके लिए भी मेधा सूची 3 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। तीसरी मेधा सूची 2 सितंबर को जारी किया जाएगा। वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए 3,413 छात्रों ने फीस जमा किया है, जबकि पिछली बार वोकेशनल कोर्सों में सीटें नहीं भरी थी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्सों में 1,20,000 सीटें हैं। विश्वविद्यालय में पिछले साल 50,000 सीटें नहीं भर सकी थी। मुख्य कॉलेजों की सीटें भर गई थी पर ग्रामीण कॉलेजों की सीटें खाली रहीं। हालांकि पिछले साल कोरोना की वजह से नामांकन में कई तरह की समस्याएं भी आ गई थी, इसको लेकर के ही सीटें खाली रह गई। तो ये बहुत बड़ा खबर है कि पटना विश्वविद्यालय की मेधा सूची 3 अगस्त को जारी होगी और एडमिशन की प्रक्रिया भी 3 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बिग न्यूज़ 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जल्दी से फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, चूँकि और भी छात्रों को ये पता चल सके कि क्या उनकी एडमिशन की तारीख क्या हो गई है।